भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 50 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक विजय ही विजय की कल्पना करनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, आप देख रहे हैं मेरे साथ अनकट और बात करते हैं यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की और फिर उससे जो निकला है नतीजा जिसमें बीजेपी की है बल्ले बल्ले। तो इस नतीजों से एक बात तो साफ हो गया कि योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह का सपना पूरा कर दिया, वो सपना जो अमित शाह ने अब से कुछ सालों पहले देखा था जब वो बीजेपी के अध्यक्ष बने थे और तब उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक बीजेपी का राज होना चाहिए, तो वो राज यूपी ने कर दिखाया योगी आदित्यनाथ ने। पार्लियामेंट में यूपी में बीजेपी को भारी जीत मिली, यानी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 300 पार, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष में 75 जिलों में से 67 में बीजेपी की जीत, और आज यानी अभी जो ताज़ा नतीजे आए हैं 825 में से कह सकते हैं कि 2/3 से भी अधिक बीजेपी के कब्जे में। अब सवाल उठता ये है कि इन ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर जो बहुत छोटा चुनाव माना जाता है देश भर में इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा कई कारणों की वजह से हो रही है। इस चुनाव को बीजेपी ने जिस मजबूती से लड़ा, जितनी शिद्दत से लड़ा और सरकार में होने के बाद बीजेपी ने इसे अपने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस तरीके से हिंसा हुई, कहीं गोली चली, कहीं पत्थर, कहीं लाठियां, तो कहीं पुलिस वाले ही चपेट में आ गए। इटावा में तो हद ही हो गई, वो इटावा जो अखिलेश यादव का गृह जिला माना जाता है वहाँ सिटी SP ही पिट गए, हाथ जोड़कर गुहार लगाते रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से कि अब यहाँ से भीड़ हटाइए। कई तस्वीरें आईं, कहीं पर पिता की शव यात्रा के दौरान ही बेटे को अगवा कर लिया गया, तो फिर वो लखीमपुर का चीरहरण कांड भी देखा होगा आपने, जिस तरीके से महिला की साड़ी खींचने की कोशिश की गई और इस चक्कर में DSP रैंक से लेकर के 6 पुलिस वाले सस्पेंड भी किए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़ाई थी ब्लॉक प्रमुख की वो दो ही पार्टियों के बीच लड़ती हुई नजर आई, एक तरफ लाइन के इस पार योगी आदित्यनाथ और लाइन के उस पार अखिलेश यादव। BSP वाली मायावती ने तो जीत में हार क्या कहते हैं उससे पहले ही मैदान छोड़ दिया था। कांग्रेस का हाल सबने देखा, खाता भी नहीं खोल पाई, ये हाल है उसका ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। अब ये कहा जा रहा है जब इस चुनाव में जीत मिली बीजेपी अपना जश्न मना रही है और योगी आदित्यनाथ बीजेपी के यूपी अध्यक्ष के साथ लखनऊ में बीजेपी ऑफिस गए और जीत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। याद करिए ना, कुछ दिनों पहले की बात है, आप भूले नहीं होंगे, जिला पंचायत के चुनाव में जो जीत मिली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर संगठन के महामंत्री VL संतोष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक ने ट्वीट कर योगी सरकार के कामकाज की बधाई दी और संगठन को भी शुक्रिया कहा जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई। बीजेपी इस जीत को बहुत बड़ी जीत मान रही है। आप पूछेंगे आखिर ऐसा क्या हो गया ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में और जिला पंचायत के चुनाव में, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद जो यूपी में विधानसभा चुनाव है उससे पहले बीजेपी ये माहौल बनाना चाहती है कि यूपी की जनता का जनादेश जो है वो बीजेपी के साथ है। कोरोना की दूसरी लहर में लोगों ने जैसे ऑक्सीजन की एक सांस के लिए कितना संघर्ष किया, किस तरीके से हालात बहुत खराब नजर आए, अस्पताल से लेकर सड़क तक, उनको लगता है कि कोरोना से उपजे हुए दर्द की वजह से कोई नुकसान योगी सरकार उसकी छवि को नहीं हुआ है, ऐसा बीजेपी का दावा है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। कुछ दिनों पहले तक जो खबरें आ रही थी कि यूपी बीजेपी में अंदर ही अंदर कलह तेज हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया दिखाया और बताया जा रहा है। अब वो मैसेज लेकर बीजेपी जाएगी विधानसभा चुनाव में कि नहीं, हमारा घर बिल्कुल ठीक है, ऑल इज वेल है, बीजेपी की शानदार जीत हुई है और यही जीत विधानसभा चुनाव में होगी और इसीलिए 300 पार का नारा दिया भी जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है इस मामले में कि खुशकिस्मत हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से बटा हुआ है, विपक्ष के कई नेता सत्ता में योगी आदित्यनाथ हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे वो हैं अगले चुनाव में भी, और विपक्ष योगी आदित्यनाथ से दो दो हाथ करने के बदले में आपस में लड़ रहा है, आपस में ना कहिए, ये कहिए कि वो अखिलेश यादव से लड़ रहे हैं। मायावती हो, उनको बीजेपी पर जब कुछ कहना होता है तो अखिलेश यादव का जिक्र करना नहीं भूलती है। जिस मायावती ने राजनाथ सिंह को उनके जन्मदिन पर ट्वीट कर बधाई दी,
जिसे वो अपना बहुत कुछ मानती थी पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान, उसको यानी अखिलेश यादव को जन्मदिन पर बधाई देने की ज़रूरत भी नहीं समझी। असदुद्दीन ओवैसी आते हैं यूपी, उनके निशाने पर भी अखिलेश यादव रहते हैं। कांग्रेस का तो हाल वैसे भी बुरा है, तो कुल मिलाकर क्या है यूपी में कि इन पंचायत चुनाव और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव से एक बात साफ हो गई, विपक्ष बुरी तरीके से बटा हुआ है। दूसरी बात, बीजेपी अब कोरोना की दूसरी लहर, अंदरूनी कलह, इन सब से निजात पा करके जनता के बीच ये लेकर मैसेज देना चाहती है कि सब कुछ ठीक ठाक है और हम देखिए अपराजेय हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि ये महज संयोग नहीं है, हैट्रिक लग चुका है और चौथी बार भी हम 300 पार कर लेंगे। पंचायत चुनाव से इसी निकले मैसेज को बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे के पीछे यूपी के घर घर तक पहुंचाना चाहती है। लेकिन इन सब के बीच में उन तस्वीरों की भी चर्चा लंबे समय तक होती रहेगी। हालांकि इस तरीके से हिंसा के और चुनाव में गड़बड़ियों के आरोप पहली बार नहीं लगे हैं, जिसकी भी सरकार होती है उसके जमाने में उसके लोग, उसके समर्थक कार्यकर्ता यही करते हैं। वो कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी सरकार होती वो ये करती है। लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, बीजेपी की जीत हुई और बीजेपी इसी जीत के साथ आगे यूपी के गांव-गांव और घर घर तक पहुंचना चाहती है, जिसे हम कहते हैं ना 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल, यानी 2022 का विधानसभा चुनाव। आज के लिए बस इतना ही।